अपना परिचय दे दीजिए। हाजी मोहम्मद शाहिद अली का मुन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अंजुमन इस्लामिया का सदर हूँ। आज किस तरीके से आज स्वच्छता अभियान और श्रमदान कर रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं चेतगंज बिनिया रोड स्थित रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह का कब्रिस्तान मुबारक है। इस कब्रिस्तान पे सफाई के लिए और दरख्तपोशी वृक्षारोपण के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रोग्राम किया है और हम लोगों ने यहाँ पे 4 पेड़ लगाया है। एक जो है तो उसमें बेर का पेड़ है, बेर के पेड़ की टहनी कब्र के अंदर जब मुर्दे के साथ डाली जाती है, ये सुन्नत है। और नीम का और पेड़ लगाया गया है और कब्रिस्तान की पूरी सफाई कर रहे हैं। इस पर जो ईंटा है, पत्थर है, कंकड़ है, ये पत्ता है, बांस की डंडल है, जो कुछ भी इसको साफ़ करके सब बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी एक कोशिश है कब्रिस्तान की सफाई के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता के अभियान की बात करते हैं, तो आप क्या उनके जो अभियान है कहेंगे? बहुत अच्छी कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के अंदर चलाई सफाई को लेकर के। सफाई हमारे यहाँ सुन्नत है। हम अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है सफाई को बहुत पसंद करते थे और माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो सफाई अभियान चलाया, इससे लोगों में एक जागरूकता पैदा हो गई सफाई के लिए। और सफाई जो है तो मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, घर घर बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के नाते आप स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए हम पूर्व पार्षद हैं, हमारी कोशिश होती है कि हर जगह सफाई अभियान करना, हर जगह सफाई चलाना। सड़क पे गड्ढा है तो गड्ढे को पाटना। हमारा काम है सरकार का सहयोग करना, जनता का सहयोग करना, एक कब्रिस्तान के जो मालिक हैं इन लोग का मदद करना, जो मैयत लावारिस आती है उसको दफनाना। हमने अपने आप को पूरी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता बना लिया, समाज का हर काम करते हैं। जैसे कि लॉकडाउन में मैंने एक्सीडेंटल गायों का चारा खिलाया, डेली खिलाते थे, घाट की सफाई करते हैं। तो हमने अपना मिजाज बना लिया है कि हम समाज में अच्छा काम करने के लिए हर वक्त अग्रसारित रहेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।